Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone of you is doing well. Well, this is very first lecture of science video series for the preparation of PST and JEST test. Aur aaj ke is video mein hum padhne wale hain class 6 science ka chapter number 1 jiska naam hai cellular organization of plants and animals. To chale start karte hain. All living things are made of cells. Tamam ki tamam jandar cheeze cells se milkar banti hain. A cell is the basic unit of all living things. Ek cell tamam jandar cheezon ki bunyadi ikai hai. Jaise ek ghar ko banane ke liye hame bricks yani ke eenton ki zarurat padti hai, waise hi ek jandar cheez ko banane ke liye jo sabse basic cheez hai wo hai cell. Ye jo right side pe aap dekh rahe hain ye ek cell ki tasveer hai jisko microscope ke zariye se zoom karke dekha gaya hai aur isme aur bhi bahut sare parts hain jaise ki nucleus, cytoplasm, cell membrane, mitochondria etc jinko hum aage is video mein bhi padhenge. Robert Hooke was the first scientist who observed the cell in a piece of cork in 1665. ये जो right side पे आप इंसान देख रहे हैं इसका नाम है Robert Hooke, ये एक scientist है. इसने piece of cork के अंदर, यानी कि cork एक element है, उसके एक piece के अंदर सबसे पहले एक cell जो है वो देखा था. और वो 1665 में इसने देखा था. ये जो आप element देख रहे हैं ये है cork. Living things that can not be seen by our naked eyes are called microorganisms. They can only be seen with a microscope. वो चीजें, वो जानदार चीजें जिनको हम अपनी खुली आंखों के जरिए से नहीं देख सकते बल्कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए से देख सकते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब जैसे माइक्रोस्कोप की बात आई तो माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. माइक्रोस्कोप को सबसे पहले ईजाद किया था गैलीलियो ने. अब माइक्रोस्कोप की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप है लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर लेंसेज का, बहुत सारे लेंसेज का यूज किया जाता है जिसकी मदद से किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखा जा सकता है. इसके 11 पार्ट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम आईपीस टू बेस. इन सारे पार्ट्स को हम तस्वीर की मदद से समझते हैं. ये जो आप ऊपर पार्ट देख रहे हैं ये आईपीस है. आईपीस जो है वो ऑब्जर्वर के लिए बनाया कि ऑब्जर्वर जैसे आप या मैं यहां पे अपनी आंख रख के देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है इस जगह पर स्टेज के ऊपर उसको जूम करके यानी कि मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये जो ट्यूब है इसका नाम है बॉडी ट्यूब. बॉडी ट्यूब जो है वो लेंस से लेकर, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंसेज से लेकर आईपीस तक फैली हुई है यानी कि बॉडी ट्यूब. और नोज पीस जो है ये वाला पार्ट है सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है. नोज पीस का काम इन ऑब्जेक्टिव लेंसेज को होल्ड करना. ये जो तीन देख रहे हैं आप ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, इन ऑब्जेक्टिव लेंसेज को होल्ड करके रखी हुई है ये नोज पीस. ये आर्म जो है ये वाली आर्म का काम है इस माइक्रोस्कोप को होल्ड करना यानी कि पकड़ के रखना. ये स्टेज है जहां पर हम वो मटीरियल रखते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है. और स्टेज क्लिप्स का काम होता है कि जो भी हम चीज ऊपर रख रहे हैं स्लाइड की सूरत में, स्लाइड की शक्ल या स्लाइड के ऊपर रख रहे हैं, उस स्लाइड को होल्ड करना स्टेज क्लिप्स का काम है. फिर यहां पर एक नीचे लाइट सोर्स है. लाइट सोर्स जो है वो लाइट प्रोवाइड करती है यानी कि नीचे से लाइट आती है और इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उस ऑब्जेक्ट को हम इस आईपीस के जरिए से यहां से मैग्निफाई करके देख सकते हैं. लाइट सोर्स को कंट्रोल करने के लिए कि कितनी लाइट यहां पे आनी चाहिए कितनी नहीं आनी चाहिए, यहां पर एक रोटेटरी एक डिस्क सी लगी होती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं. डायफ्राम बिल्कुल जैसे हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं या कम करते हैं वैसे ही है कि अगर हम इसको एक तरफ को रोटेट करेंगे तो यहां से नीचे आने वाली लाइट इसके ऊपर ज्यादा पड़ेगी, अगर इसको कम कर देंगे तो यहां से लाइट कम पड़ेगी, ठीक है. उसके बाद है एडजस्टमेंट नोब. एडजस्टमेंट नोब का काम है कि जैसे हम इसको घुमाएंगे, ये भी एक रोटेट करने वाली चीज है, जैसे हम इसको घुमाएंगे तो ये जो स्टेज है या तो ये नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा. इसकी वजह ये है कि ये जो लेंस है, लेंस अच्छी तरह से फोकस कर सके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर. अब इसको घुमाने से जैसे ये नीचे ऊपर जा रही है तो जिस जगह पर भी वो जो लेंस है उस ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से फोकस कर लेंगे तो वहां पर हम इस एडजस्टमेंट लूप को रोक देंगे और स्टेज भी वहीं पर रुक जाएगा. अब ये थी लाइट माइक्रोस्कोप. आगे चलते हैं. प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल. अब जो सेल है, एनिमल सेल जो है वो अलग होते हैं प्लांट सेल के अंदर. जो सेल है प्लांट के अंदर जो सेल है वो अलग किस्म के होते हैं, दोनों में डिफरेंस है. अब एनिमल सेल के बारे में पढ़ते हैं लेकिन उससे पहले जरा सा इसको विजुअलाइज कर देते हैं कि एक एनिमल सेल किस तरह का होता है.
अभी आपके सामने नजर आ रही है एक एनिमल सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा भी दूसरी चीजें होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये इसकी आउटर बाउंड्री है जो इस सेल को होल्ड करके रखी हुई है, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है और न्यूक्लियस जो सबसे ज्यादा मेन पार्ट है जो सारा डिसाइड कर रहा होता है कि सेल के अंदर रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो किस तरह से होंगे, वो सारा न्यूक्लियस डिसाइड करता है। वैक्यूल के अंदर एयर, वाटर और फूड के पार्टिकल्स होते हैं एटसेट्रा, इनके बारे में हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं इनकी। सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज अ थिन पार्शियली परमिएबल लेयर अराउंड द सेल, ये एक थिन यानी कि बारीक सी एक लेयर है, परमिएबल लेयर है जो कि इस पूरे सेल के अराउंड होती है यानी कि चारों तरफ फैली होती है। पार्शियली परमिएबल लेयर का मतलब यह है कि ये एक ऐसी लेयर है जो कुछ सब्सटेंसेस को अंदर जाने देगी और कुछ को नहीं जाने देगी। अगर ये होता परमिएबल लेयर तो सारे सब्सटेंसेस के अंदर जा सकते, लेकिन पार्शियली परमिएबल लेयर होने की वजह से कुछ सब्सटेंस इसके अंदर जा सकते हैं कुछ नहीं जा सकते, जैसे एयर, वाटर या फूड वगैरह इसके अंदर जा सकता है या नहीं जा सकता वो पार्शियली परमिएबल लेयर डिसाइड करेगी। बीइंग पार्शियली परमिएबल इट ओनली अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट बट स्टॉप्स अदर, जो कि मैंने पहले कह दिया। साइटोप्लाज्म इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच फिल्स अप द सेल एंड कंटेन्स मेनी केमिकल्स। अभी जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर बहुत सारे ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, हेंस मेनी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन इट। इसकी वजह से क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल हैं तो केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर होते रहते हैं। इट आल्सो कंटेन्स वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस, इसी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस भी होता है वैक्यूल भी होता है। अब ये वैक्यूल क्या है? दीज आर स्पेसेस कंटेनिंग एयर, लिक्विड और फूड पार्टिकल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये एक ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर एयर, लिक्विड या फूड मौजूद होता है। दीज वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड न्यूमरस, एनिमल के अंदर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा होती है। अब न्यूक्लियस क्या है? इट कंट्रोल्स ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सेल्स, इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। ये जो है तमाम के तमाम जो केमिकल रिएक्शंस इस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? ये न्यूक्लियस। उसके बाद इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स, इसके अंदर क्रोमोसोम्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर थ्रेड लाइक मटीरियल्स दैट आर पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो एक वालदेन है उनसे मुंतकिल होते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, एक थ्रेड लाइक यानी कि एक धागे नुमा मटीरियल है, उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। दे स्टोर केमिकल इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू बिल्ड द सेल एंड कंट्रोल इट्स फंक्शंस। उस धागों के अंदर, धागे नुमा चीजों के अंदर यानी कि क्रोमोसोम्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं यानी कि हिदायतें होती हैं, केमिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ये सेल किस तरह से बनेगा, इस सेल के फंक्शंस को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस उन क्रोमोसोम्स के अंदर होती हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल और एनिमल सेल जैसे मैंने पहले बताया कि डिफरेंट है, लेकिन उनमें कुछ चीजें सिमिलर भी हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल और साइटोप्लाज्म। ये एनिमल सेल के अंदर भी थे और प्लांट सेल के अंदर भी थे, यानी कि प्लांट सेल्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म लाइक एन एनिमल सेल, लेकिन कुछ चीजें डिफरेंट भी हैं। तो डिस्टिंक्टिव पार्ट्स जो है वो ये हैं, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल और सेल वॉल। अब इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अब ये स्ट्रक्चर है एक प्लांट सेल की, इसमें जो आप डिफरेंट चीजें देख सकते हैं वो है ये बड़ी सारी चीज, उसके अलावा ये क्लोरोप्लास्ट और ये सेल वॉल, बाकी तकरीबन सेम चीजें हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं जो डिफरेंट चीजें हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है दे आर टाइनी डिस्क कंटेनिंग अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो डिस्क, ये जो जो चीज आपको नजर आ रही है जिसपे मेरा माउस का कर्सर है, ये डिस्क नुमा चीजें होती हैं जिसके अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल का काम क्या है? इट ट्रैप्स द सनलाइट दैट प्लांट्स नीड टू मेक फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस, वो सूरज से आने वाली रोशनी को अपने पास पकड़ के यानी कि ट्रैप करके रख लेता है, जिसकी मदद से एक प्लांट फोटोसिंथेसिस का अमल कर पाता है। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे। अब इस आते हैं लार्ज वैक्यूल पे। जैसे हमने देखा कि एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत ज्यादा वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल के अंदर सिर्फ एक लार्ज वैक्यूल होता है। इट इज लार्ज एंड फॉर्म्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। जो इस सेल का ज्यादातर हिस्सा है वो ये वैक्यूल ही है,
और इसको हम लार्ज वैक्यूल कहते हैं. इट फिल्स द सेल सैप व्हिच कंटेन्स वाटर एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंस लाइक शुगर एंड सॉल्ट. इसके अंदर होता है सेल सैप. सेल सैप जो है वो गूंद के जैसी एक चीज होती है जिसके अंदर वाटर या डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस जैसे शुगर या सॉल्ट मौजूद होता है. द सेल सैप मेक्स अ प्लांट सेल फर्म बाय टेकिंग इन वाटर. अब जो सेल सैप है यानी कि वो गूंदनुमा चीज जो है वो प्लांट को प्लांट सेल को मजबूत बनाता है. ठीक है, टेकिंग इन वाटर पानी अंदर लेकर उसको मजबूत बनाता है. अब सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज अ थिक परमीएबल लेयर अराउंड द सेल. जैसे वहां पे साइटोप्लाज्म था, सॉरी सेल मेम्ब्रेन था, वो पार्शियली परमीएबल लेयर थी. किसमें? एनिमल सेल में. लेकिन ये परमीएबल लेयर है. परमीएबल लेयर का मतलब ये है कि बाहर से आने वाले सब्सटेंस इसके अंदर जा सकते हैं. सो बीइंग परमीएबल इट अलाउज ऑल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट. तमाम के तमाम सब्सटेंसेस इसके अंदर जा सकते हैं. इट इज मेड अप ऑफ अ टफ सब्सटेंस कॉल्ड सेल्यूलोज. ये एक सेल्यूलोज एक सब्सटेंस की मदद से बना है जिसका नाम है सेल्यूलोज. इट सपोर्ट्स द सेल एंड गिव्स इट्स अ रेगुलर शेप. ये क्योंकि काफी थिक है यानी कि मोटा है, इसकी वजह से क्या है कि इसकी जो शेप है वो काफी ज्यादा रेगुलर है, यानी कि एक तरीके की शेप है, हमेशा ऐसी रहती है या थोड़ी बहुत चेंज होती है. लेकिन जो एनिमल सेल है उसके अंदर जो लेयर है यानी कि सेल जो सेल वॉल है, सॉरी सेल वॉल नहीं, वहां पे सेल मेम्ब्रेन है. जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा थिन होता है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो सकती है. लेकिन प्लांट सेल की स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा रेगुलर शेप की होती है. आगे बढ़ते हैं. अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो थोड़े डिफरेंसेस हैं उनको पॉइंट की सूरत में लिखा है कि प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल बट एनिमल सेल्स डू नॉट. प्लांट सेल के अंदर एक सेल वॉल होता है लेकिन एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होता. प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट बट एनिमल सेल्स डू नॉट. प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं होता. प्लांट सेल्स जनरली हैव अ डेफिनेट शेप बिकॉज द सेल वॉल इज मोर रिजिड. जो मैंने वापस आता हूं यहां पर, जैसे ये आप देख रहे हैं ये सेल वॉल है. सेल वॉल इसको एक शेप दे के रखी हुई है इसने, यानी कि एक बेहतर शेप है. जबकि आप अगर पीछे जाएं वापस यहां पर जो सेल मेम्ब्रेन था वो बहुत ज्यादा बारीक था जिसकी वजह से इसकी शेप इतनी अच्छी नहीं है. तो इसी पॉइंट का जिक्र वहां पे किया हुआ है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. एनिमल सेल्स हैव अ राउंड और इररेगुलर शेप बिकॉज दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल. एनिमल सेल जो है उनकी शेप जो है वो या तो इररेगुलर होती है यानी कि अजीब सी बदी सी, या राउंड होती है क्योंकि उनके अराउंड कोई भी सेल वॉल नहीं होता. प्लांट सेल्स यूजुअली हैव वन लार्ज साइज वैक्यूल बट एनिमल सेल्स हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स. प्लांट सेल के अंदर सिर्फ एक लार्ज साइज का वैक्यूल होता है और एनिमल सेल्स के अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं. आगे चलते हैं. एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एक ऐसी जानदार चीज, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक सेल हो, जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हो, उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. इसकी एग्जांपल्स हैं अमेबा, पैरामिशन, यूग्लिना एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेसेस फॉर सर्वाइवल सच एज मूविंग अबाउट, फीडिंग एंड रिस्पायरिंग. अब चाहे ये एक सेल से मिलकर बने हैं लेकिन ये तमाम के तमाम वो जो फंक्शंस हैं या प्रोसेस हैं वो करते हैं जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, जैसे मूव करना, खाना खाना या सांस लेना. एक सेल भी ये सारा काम करता है. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो पहला लिखा था अमेबा, दिस वन पैरामीशियम और यूग्लिना. अमेबा और पैरामीशियम जो है ये है एनिमल लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये एनिमल में काउंट किए जाते हैं. जबकि यूग्लिना जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए वो प्लांट लाइक एनिमल है, यानी कि वो प्लांट जैसा है. और उसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट भी. अगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है इट मींस कि ये प्लांट है. पैरामीशियम भी कभी कभी अपना खाना खुद बना लेता है, इसलिए इसकी जो नेचर्स हैं वो बोथ है. ये कभी कभी एनिमल लाइक बिहेव करता है और कभी कभी प्लांट लाइक बिहेव करता है, जबकि अमीबा सिर्फ एनिमल लाइक बिहेव करता है. आगे बढ़ते हैं. एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिनकी एग्जांपल्स हैं आप, मैं, सारी चीजें जो हमारे अराउंड जानदार हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे ईगल, हाइड्रा, कोकोनट ट्री, फर्न एटसेट्रा. ये आपके सामने है. दिस वन इज ईगल, दिस वन इज हाइड्रा. ये पानी में मिलता है यानी कि समंदर में. ये एक फिश टाइप चीज है. ये है हमारे पास कोकोनट ट्री और ये है फर्न.
ठीक है. उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड ईच टाइप ऑफ सेल हैज अ स्पेशल जॉब टू डू. अब जो यूनिसेलुलर थे उनके अंदर तो सेल ही एक होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर एक से ज्यादा सेल होते हैं, और सेल भी सिर्फ एक किस्म के नहीं होते, एक से ज्यादा किस्म के सेल होते हैं, और हर अलग किस्म के सेल का अलग काम होता है. मिसाल के तौर पर ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 20 अलग अलग किस्म के सेल होते हैं, जैसे कि नर्व सेल. नर्व सेल का काम होता है दिमाग तक पैगाम को पहुंचाना और वहां से इंस्ट्रक्शन लेके वापस आना. मसल सेल्स का काम क्या होता है, हमारी जो सेल्स हैं उनको आपस में टाई करके रखना, बांध के रखना और कॉन्ट्रैक्ट करना, मूव करना एटसेट्रा, इनका काम है. रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना, ये रेड ब्लड सेल का काम है. तो मैंने जैसे बताया कि 20 डिफरेंट टाइप्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स के, जिसमें से 3 यहां पर लिखे हुए हैं. आगे बढ़ते हैं. सेल्स ऑफ द सेम टाइप वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म द सेम जॉब मेकअप अ टिश्यू. अब वो सेल्स जो एक तरह का काम कर रहे होते हैं वो मिलकर एक टिश्यू बना लेते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल टिश्यूज आर एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, जिनकी तस्वीरें यहां पर है, और एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट टिश्यूज एपिडर्मल टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू, जिनकी तस्वीरें यहां पर है. अब मसल टिश्यू का काम क्या होता है कि बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपेंड करना, ये मसल टिश्यू का काम है. एपिथेलियल टिश्यू का काम है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना. एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो थ्रू आउट द बॉडी फैले होते हैं, और बाहर से जो चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं हमको उनसे प्रोटेक्ट करते हैं. वैसे ये जो राइट पे है ये है एपिडर्मल टिश्यू. जैसे लिविंग थिंग्स को यानी कि एनिमल्स टिश्यू, एनिमल्स को जो प्रोटेक्ट करता है वो है एपिथेलियल टिश्यू, वैसे ही प्लांट को जो प्रोटेक्ट करता है वो है एपिडर्मल टिश्यू. उसके साइड पे ये है फोटोसिंथेटिक टिश्यू. फोटोसिंथेटिक टिश्यू, फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस मैंने जैसे बताया पहले भी कि आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होती है, तब आपको फोटोसिंथेटिक टिश्यू का भी काम समझ में आ जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू डू पर्टिकुलर जॉब मेकअप एन ऑर्गन. जैसे सेल एक जैसे मिलकर जो एक काम कर रहे होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं. अब वो टिश्यूज जो एक जैसा काम कर रहे होते हैं वो मिलकर एक ऑर्गन बना लेते हैं. Each organ is responsible for carrying out one or more functions. तमाम के तमाम organ जो हैं, उनके वो एक काम करते हैं या एक से ज्यादा काम भी कर सकते हैं. जैसे examples of animal organs are heart, lungs, liver, kidney, stomach, brain, etc. जो कि यहाँ पर शो किए हुए हैं. और examples of plant organs are leaves, roots, stems, flowers. इनमें से कुछ का मैं आपको बता देता हूँ कि functions कौन से हैं. जैसे heart का काम होता है पूरे जिस्म में blood को pump करना यानी कि circulate करना. लंग्स का काम होता है कि जो बाहर से हवा आती है उसमें से ऑक्सीजन निकाल के बॉडी तक पहुंचाना, तमाम सेल्स तक. लिवर का काम होता है कि जितने भी इंटॉक्सिकेंट्स यानी कि जहरीली चीजें मौजूद होती हैं हमारे ब्लड के अंदर उनको अलग करना. किडनी का काम क्या होता है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में या एक्स्ट्रा फ्लड है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना. स्टमक का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, और ब्रेन का काम तो हम सबको पता ही है. वैसे ही लीव्स का काम होता है खाना बनाना, यानी कि प्लांट के लिए जो फूड बनाता है वो लीव्स का काम है. लीव्स आर आल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज. रूट्स का काम क्या होता है कि जो ये यहां पर देखें तो जमीन के अंदर जितना भी पानी है या जो मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके इन पत्तों तक पहुंचाना. स्टेम का काम क्या होता है, ये वाला स्टेम है. स्टेम का काम क्या होता है कि इस पूरे के पूरे दरख्त को प्रोटेक्ट सपोर्ट करके रखना, एक उसको प्रोवाइड करना कि वो खड़ा हो सके. फ्लावर्स जो है वो पोलिनेशन के लिए यूज होते हैं. आगे चलते हैं. ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस मेकअप अ सिस्टम. अब जैसे सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, तो वो ऑर्गन जो एक जैसा काम कर रहे होते हैं वो एक सिस्टम बना लेते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सपिरेटरी सिस्टम. और एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट सिस्टम्स आर रूट सिस्टम्स एंड शूट सिस्टम. इनको तस्वीर की मदद से समझते हैं. ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हम मुंह से खाना खाते हैं वो हमारे मैदे में जाके किस तरह से वो पूरे का पूरा जो है वो डाइजेस्ट होता है और सारा उसमें से चीजें जो है वो कैसे निकाली जाती हैं वो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर किस तरह से हम सांस लेते हैं, लंग्स उसका
एक ऑर्गन है, नोज, माउथ, उसके अलावा ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी कि हार्ट जो है वो किस तरह से पूरे जिस्म के अंदर खून को सर्कुलेट करता है, फैलाता है। नर्वस सिस्टम में दिमाग जो है वो किस तरह से पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, किस तरह से सिग्नल्स पहुंचाता है। और एक्सक्रिएटरी सिस्टम में किस तरह से हम जो अपना फजूल मादा होता है हमारे जिस्म में उसको निकालते हैं बाहर। वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी दो सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम। जो भी जमीन के नीचे ग्रो हो रहा होता है उसका उसका काम वो उसे कहलाता है रूट सिस्टम, कहते हैं उसे। इसका काम होता है कि जमीन से जितने भी मादनियात हैं यानी कि मिनरल्स हैं और वाटर है उसको लेकर आगे पहुंचाना। और शूट सिस्टम के अंदर लीव्स, उसके अलावा फ्लावर, स्टेम, पेट्योल, ये सारी चीजें आती हैं शूट सिस्टम के अंदर। आगे चलते हैं। अब देखें, सेल होता है सबसे पहले, सेल से बनता है टिश्यू। टिश्यू जो सारे एक जैसे काम कर रहे होते हैं वो मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं। जो एक जैसे ऑर्गन्स होते हैं यानी कि वो ऑर्गन्स जो एक जैसा काम कर रहे होते हैं वो मिलकर सिस्टम बना लेते हैं। और पूरे के पूरे सिस्टम्स, जैसे इंसान के अंदर मैंने पीछे दिखाया कि बहुत सारे सिस्टम, जैसे ये पांच तो यहां पे हैं, इसके अलावा भी सिस्टम्स हैं। तो बहुत सारे सिस्टम्स जब मिलते हैं आपस में तो एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जिंदा चीज बन जाती है। आप और मैं भी ऑर्गेनिजम्स हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।